कल मिल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर और दर्शकों को आज शाम हमारी सत्संग में हम आप सभी का अभिनंदन करते हैं आशा करते हैं आप पिछले शनिवार से लेकर अब तक अच्छे रहे होंगे और प्रभु ने आज एक और बार फिर हमें शनिवार का दिन दिखाया कि इसमें हम अपने समय पर चार बजे सत्संग के लिए ऑनलाइन हो चुके हैं अगर अब में से बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु के भवन में आना चाहते हैं लेकिन अभी कुछ दिन और हमें शायद इंतज़ार करना होगा वैक्सीन आ चुकी है खुशी का माहौल है और हमें ऐसा लगता है कि हम कोविड पर विजय प्राप्त करने जा रहे हैं तो आइए आज शाम ऑनलाइन सर्विस में हम सब अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें हमारे जीवित और महान परमेश्वर हम आपको धन्यवाद स्तुति और महिमा करते हैं सुंदर समय के लिए प्यारे परमेश्वर आज तूने हमें मौका दिया कि हम सब मिलकर तेरी आराधना इस प्रकार से ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से कर सकें प्यारे खुदावन हम सब लोग अपने अपने घरों में हैं लेकिन प्यारे खुदावन प्रभु आज तेरा वचन हमसे बोलेगा हमसे बातें करेगा हम तेरा धन्यवाद करते हैं आगे की सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा उन किसी भी प्रकार का कोई विधान इस सभा के दौरान ना होने के लिए यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और खुदावन हम दुआ करते हैं कि हमारे दिलों को तो तैयार कर कि हम तेरी वाणी को सुन सकें धन्यवाद करते तुमने हमारी प्रार्थना को सुना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन मेन ये समय होगा कि हम परमेश्वर के गीतों को गाकर कुछ देर हम प्रभु की आराधना करेंगे एनोश और उनकी टीम हमारे साथ है और हम मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे आइए मिल के प्रभु को आराधना चढ़ाएं जिसके वो योग्य है आत्मा से भरकर उसकी स्तुति करेंगे उसकी जय जयकार करेंगे ओके नया जीवन देने वाला अब्बा परमेश्वर हालेलुया, 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 बजाते हाले हुए। आ, आत्मा से भर कर स्तुति करो उसकी जय जयकार करो आत्मा से भर कर स्तुति

यीशु का करते रहो आशीषों से भरते रहो धन्यवाद यीशु का करते रहो आशीषों से भरते रहो हाँ धन्यवाद यीशु का करते रहो आशीषों से भरते रहो Okay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. i धन्यवाद यीशु का करते रहो और आशीषों से भरते रहो जितना धन्यवाद उसका करेंगे उतना ही कम आइए अपनी आंखों को बंद करके उसकी आराधना में खोलते

मेरा परमेश्वर शांति से भरने वाला है वो शांति का दाता है आनंद का दाता है वी नीड टू ट्रस्ट इन हमें उस पर विश्वास करना है, उसके वचनों पर विश्वास करना है, और उसके अनुसार जीवन को चलाना और शांति देने वाले तेरी आइए प्रभु के दास के द्वारा उस सामर्थ्य वचन को तो प्रभु ने हमारे लिए रखा है उसे सुने और जब वो सुनते हैं विश्वास के साथ बैठे अवश्य वचन हमारे जीवन में कार्य करे तो अभी हम प्रभु की आराधना कर रहे थे हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हमने जीवित परमेश्वर की आराधना की है मुर्दे प्रभु की आराधना नहीं कर सकते हैं हाँ जीवित ही प्रभु की आराधना करते हैं तो प्रभु का धन्यवाद इस अच्छी आराधना के लिए और मेरे अजीजों आज शाम के समय में परमेश्वर के वचन को लुकाराची सुसमाचार सातवाँ अध्याय और उसके पहले पद से लेकर के और दस पद तक हम पढ़ेंगे लुका सात और उसका एक से दस पद तक जब वह लोगों को अपनी सारी बातें सुना चुका तो कफर में आया और किसी सुबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुर्णियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा आकर मेरे दास को चंगा कर वे यीशु के पास आकर उससे बड़ी विनती करके कहने लगे कि वह इस योग्य है कि तू उसके लिए ये करे क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है यीशु उनके साथ साथ चला पर जब वह घर से दूर ने था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा कि हे प्रभु दुख न उठा क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए इसी कारण मैंने अपने आप को इस भी समझा कि तेरे पास आऊं पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में है और जब एक को कहता हूं जा तो वह जाता है और दूसरे से कहता हूं कि आ तो वह आता है और अपने किसी दास को की यह कर तो वह उसे करता है यह सुनकर यीशु ने अचंबा किया और उसने मुंह फेरकर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया Lord, एक विचित्र घटना है और ये यीशु मसीह के उस नगर की घटना है बाइबल बताती है कि वो जब सारी बातों को लोगों से कर चुका तो कफ़र नहूम में आया अक्सर यीशु मसीह कफ़र नहूम में आया और जाया करता था ध्यान से सुनिएगा ऐसा प्रतीत होता है कि कफ़र नहूम से यीशु मसीह को एक विशेष लगाव है और जब वो वहाँ जाता था और लोगों को ये पता चलता था कि यीशु आया हुआ है तो ये जो लोग इकट्ठे हो जाते थे और यीशु के पीछे एक बड़ी भीड़ भी हो जाया करती थी और वहाँ पर एक विचित्र घटना ये घटी कि वहाँ एक बहुत बड़ा सुबेदार था अधिकारी था उसका एक सेवक था वो बीमार था और उस बीमारी में इतनी गंभीरता थी कि वो मरने पर था और जब उसने यीशु की चर्चा सुनी और उसने ये सुना कि येशु हमारे शहर कवरनऊ में आया हुआ है उसने अपने उस जगह के इलाके के जो शास्त्री और फरीसी थे सुबेदार ने बुलाकर उनसे निवेदन किया कि भाई तुम जाकर मेरे बारे में और मेरे नौकर के बारे में प्रभु येशु मसीह से बात करो और यीशु मसीह से जाके निवेदन करो कि वो मेरे दास को चंगा कर दे और मेरे अजीज जब उन्होंने आकर उस सुबेदार की बड़ी तारीफ़ की प्रशंसा की उसके कामों के बारे में बताया उसके स्वभाव के बारे में बताया उसके जो धर्म के प्रति जो रुझान था उसको जब यीशु ने सुना तो यीशु ने निश्चय किया मैं भी उसके घर जाऊंगा और जैसे ही वो घर जाने के लिए आ, मुड़ा शुरुआत हुई शायद किसी ने सुबेदार को यह खबर कर दी कि यीशु आपके घर आ रहा है और वहां हम देखते हैं कि यीशु से वो किस प्रकार की वार्तालाप कर रहा है और वो कह रहा है कि सुबेदार ने हाँ। उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा कि हे प्रभु दुख न उठा क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए हाँ, इसी कारण अब जब सुबेदार को यह बात मालूम पड़ी तो सुबेदार ने अपने कुछ कर्मचारियों से कहा जाकर यीशु मसीह से कहो कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे छत के नीचे आए आई एम नॉट एबल नहीं हूं लेकिन एक बहुत अच्छी बात है उसने कहा तू सिर्फ वचन कह दे और मैं जानता हूं मेरा दास चंगा हो जाएगा मेरे अजीजों इस वृत्तांत को एक जगह और भी लिखा गया है जहाँ सुबेदार स्वयं यीशु मसीह के पास आता है और वो कहता है कि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है जब मैं कहता हूँ एक को आ तो वो आता है और दूसरे को कहता हूँ जा तो वो जाता है इसका अर्थ यह है कि सुबेदार इस बात को बता रहा है कि मैं तेरे अधिकार को जानता हूं तेरे अधिकार में सारी बीमारियां हैं और तू अगर बीमारी को कहेगा जा तो बीमारी को जाना पड़ेगा और उसने इशू से ये कह ये कहा कि तू केवल वचन कहते मेरे अजीजों मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो वचन है यही अपने आप में एक बहुत सामर्थी बात है ये जो वचन हमारे पास लिखित में है जिसको हम बाइबल बोलते हैं ये तो परमेश्वर का वो वचन है जो लिखित में हमारे पास आया लेकिन जब यीशु मसीह के मुंह से जो वचन निकलते थे उसमें भी सामर्थ है, और मैं आपको बताना चाहता हूं यदि किसी कोई परमेश्वर का भक्त है और वो उसकी इच्छा पर चलता है और उसकी इच्छा के अनुसार बोलता है तो उसके बोलने के द्वारा निकले गए वचनों में भी सामर्थ होती है वचन अपने आप में स्वयं परमेश्वर है अगर आप यू ना सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी पहली दूसरी आयतों को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि वचन क्या कहता है। पढ़िए आदि में वचन था आदि में वचन था और परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन ही परमेश्वर था यही हाँ यही आदि में परमेश्वर के साथ था आदी, यही आदि में परमेश्वर के साथ था इन द बिगिनिंग विद गॉड द सेम वॉज इन द बिगिनिंग यानी वो ही शुरुआत में परमेश्वर के साथ था परमेश्वर ने वचन बोला और सृष्टि की रचना हो गई परमेश्वर ने वचन बोला सूरज और चांद अपने अपने कार्य पर लग गए परमेश्वर ने वचन बोला और सुंदर सा एक ब्रह्मांड जो आप देख रहे हैं वो सब उसकी रचना हो गई उत्पत्ति के पहले अध्याय में अगर आप देखेंगे परमेश्वर बोलता रहा और वचन काम करता रहा वचन आया जिंदगी आ गई वचन आया खूबसूरती आ गई वचन आया जीवन बदल गया मेरे हसीसो वचन आदि में वचन था वचन ही परमेश्वर है और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस वचन को पूरा करने के लिए हमारा जो परमेश्वर है वो हमेशा तत्पर रहता है परमेश्वर के वचन में लिखा है मतरची सुमाचार उसके पांचवे अध्याय के अंदर निकाले हम परमेश्वर के वचन में से मती का पांच और उसके एक वर्ड को मैं आपको देना चाहता हूं वहां पे लिखा हुआ है मती पांच अठारह लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टलने जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा यानी परमेश्वर का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगा पर मेरा वचन पूरे हुए बिना नहीं रहेगा वचन जब जाता है तो काम करके आता है लॉर्ड। इस व्यक्ति सुबेदार ने ये कहा सिर्फ तू वचन ही कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा उसे पता है कि इस व्यक्ति की बोले हुए वचनों में सामर्थ है मेरे अजीजों क्या आपका इतना बड़ा विश्वास है क्या आप ऐसा विश्वास करते हैं कि वचन में सामर्थ है और वचन अपने आप में काम करता है और कोई दुनिया में वचन वो बांध नहीं सकता है मेरे अजीजों परमेश्वर का वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेगी क्यों आइए परमेश्वर के वचन में से निकालें हम यर्मिया नबी की किताब पहला अध्याय और उसका ग्यारह पद और बारह पद को पढ़े परमेश्वर का यह वचन मेरे पास पहुंचा क्या पहुंचा परमेश्वर का वचन पहुंचा और हे hey हे hey तुझे क्या दिखाई पड़ता यर्मिया है? से परमेश्वर ने पूछा तुझे क्या दिखाई देता है और मैंने कहा मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है जो दिखा उसको उसने परमेश्वर से कहा प्रभु मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई देती है और तब परमेश्वर यहोवा ने मुझसे कहा आ, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है तुझे बिल्कुल ठीक दिखाई पड़ता है और क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए मैं अपने वचन को पूरा करने, करने के लिए, लिए जागृत हूं क्या हूं।, हूं जागा हुआ हूं मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागा हुआ हूं मेरे अजीजों परमेश्वर का वचन है कि वो कहता है क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागा हुआ हूं और तेरा पद भी पढ़ दीजिए फिर का वचन दूसरी बार मेरे पास पहुंचा प्रिय का वचन दूसरी बार इसका मतलब क्या है परमेश्वर अपने वचन को हमारे बीच में भेजता है वचन हमारी जिंदगी में स्वतंत्रता लाता है अब अगर आप यहुन्ना का एक अध्याय और उसके चौदह पद को पढ़ें, तो चौदह पद में क्या लिखा है जरा पढ़ेंगे यहुन्ना एक चौदह वचन देहदारी हुआ वचन ने देह को धारण कर लिया और अनुग्रह और अनुग्रह से परिपूर्ण होकर जब वचन आता है तो परिपूर्णता लाता है अनुग्रह लाता है प्रेज लॉर्ड चंगाई लाता है छुटकारा लाता है जो मुंह से बोला जाता है सकारात्मक सब कुछ प्रकट होता है लेकिन अब आप बोलेंगे हम तो कुछ बहुत रोज रोज कुछ बोलते हैं साहब कुछ होता ही नहीं कई विश्वासी बोलेंगे साहब हम तो कई सालों से वचन को क्लेम कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा मैं आपको समझाना चाहता हूं मैं आपको सिखाना चाहता हूं क्यों परमेश्वर के वचन में लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ होता है इसका मतलब यह है अगर आप एक धर्मी पुरुष हैं तो धर्मी पुरुष होने का क्या अर्थ है पहले मैं समझा दूं आप यदि परमेश्वर की इच्छा और उसकी आज्ञा और नियम और विधि विधान के अनुसार चलने वाले व्यक्ति तभी तो आप धर्मी हैं तभी तो लोग आपको धर्मी बोलेंगे आइए निकालें हम परमेश्वर के वचन में से यर्मिया नबी की किताब और उसका सातवां अध्याय और उसके तेईस पद को पढ़े परंतु मैंने तो उनको यह आज्ञा दी थी हा कि मेरे वचन को मानो क्या मैंने आज्ञा दी थी क्या कह रहा है मैंने उन्हें यह आज्ञा दी थी कि तुम मेरे वचन को मानो लॉर्ड मैं आज शाम आपसे पूछना चाहता हूं क्या आप वचन को मानते हो क्या आप अपने वचन उसके परमेश्वर के वचन को महत्व देते हो आइए मैं आपको बताता हूं भजन संहिता 138 उसका पहला और दूसरा पद पढ़ें पढ़े जल्दी से भजन 138 और दो एक और दो मैं पूरे मन से हाँ तेरा धन्यवाद करूंगा देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा किसके सामने देवी देवताओं के सामने भी मैं यहोवा परमेश्वर तेरा भजन गाऊंगा और मैं तेरे, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और तेरी करुणा और, और सच्चाई के कारण सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा।, करूंगा और क्योंकि तूने क्यों वो धन्यवाद के योग्य है क्यों परमेश्वर आराधना के योग्य है क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है क्या है परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज्यादा वचन जो वो कहता है उसको महत्व देता है हमारे प्रतिदिन की भाषा में हम बोलते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए प्राण जाए पर वचन न जाए यानी हमारे प्राण निकल जाएं, पर अगर हमने अपने मुंह से वचन दिया है तो हम उन वचनों को पूरा करने के लिए जिस प्रकार से जागृत रहते हैं उसी प्रकार से परमेश्वर उससे भी ज्यादा अपने वचन को पूरा करने के लिए जागा हुआ है उसने अपने नाम से भी ज्यादा वचन को महत्व दिया है इसका अर्थ यही है कुछ हो या ना हो वचन पूरा होता है लॉर्ड वचन सामर्थी है मेरे अजीजों भजन संहिता 107 और उसका 20 पद पढ़े, वह अपने वचन के द्वारा वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता उनको क्या करता है चंगा करता है भजन 100 सात का जो बीस पद हम पढ़ रहे हैं उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे तो पड़े होते हैं जिस परेशानियों में वो पड़े होते हैं उससे वो, है, उस वो उनके क्या करता है निकालता है उससे उनको निकालता है प्रेज लॉर्ड इसका मतलब क्या है वचन सामर्थ्य वचन ही जीवन है वचन को महत्व देना आपका प्रॉब्लम क्या है आप बाइबल को भी एक ऐसे कथा कहानी की तरह पढ़ लेते हैं शायद एक जैसे हम नॉवल पढ़ते हैं उस तरीके से हम उसको पढ़ लेते हैं पर मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आप केवल यही कर रहे हैं तो आप एक बहुत बड़े मुखालते में आइए मैं आपको यर्म्या सात तेईस में क्या लिखा है जरा उस पर चलते हैं परंतु मैंने तो उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो क्या करो तुम तो किसको मानो वचन को मानो हां अगर आप परमेश्वर को प्यार करते हैं तो उसकी उसका जो लिखित वचन आपको दिया गया है उसको आप उसको पढ़ें और पढ़कर उसको इंप्लीमेंट करें वचन को मानो और तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा तब 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 हम वचन को मानते नहीं है वचन में लिखा है झूठ नहीं बोलना चोरी नहीं करना फरेब नहीं करना धोखा नहीं देना विश्वास योग्यता में रहना वचन में बहुत सारी बातें हैं बाइबल में लिखा है परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे लिए है और मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत अच्छी आयत मुझे याद आ रही इस समय पढ़ेगा होशे नबी की किताब और उसका आठवां अध्याय और उसके बारह पद को पढ़े मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हमेश्वर कह रहा है मैं उनके लिए उनके लिए क्या मतलब है हमारे लिए जनता के लिए प्रजा के लिए अपने लोगों के लिए व्यवस्था की लाखों बातें व्यवस्था का मतलब है परमेश्वर के नियम विधि विधान लिखित में प्रभु ने हमें दे दिए हैं लिखता आया हूं परंतु वे उन्हें पराया समझते हैं। परंतु है। उन्हें हमने, हमने क्या समझा पराया समझा हमने क्या समझा उसे पराया समझा आज बाइबल को लोग विदेशी धर्मशास्त्र मानते हैं परमेश्वर कहता है मैंने ये बातें तुम सबके लिए लिख के दी हैं ये मानव जाति के लिए है लेकिन हमने इसे क्या समझा है पराया समझा है मसीही जगत में भी बहुत सारे लोग डिनोमिनेशन में बटे हुए हैं है? हम समझते हैं ये किताब उनके लिए है ये बात तो हमारे लिए नहीं है ये बात उनके लिए है ये बात उनके लिए है ये, लिए है, ये मेरे अजीजों उचित नहीं है वचन में लिखा है वे लोक उसे क्या समझते आए हैं पराया समझते आए जब तक आप उसके वचन को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक आप परमेश्वर के लोग नहीं कहलाएंगे देखिए अगर आप इसमें कोई दो राय नहीं कि परमेश्वर हमारी दुहाई सुनता है और हमारी सहायता करता है भजन संहिता 114 और उसके पहले और दूसरे पद को पढ़े यहां लिखा है यदि तुम मेरे वचन को मानोगे तब मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे आप मेरे साथ हैं आपको उसकी प्रजा बनने के लिए उसके उसकी प्रॉपर्टी बनने के लिए उसके लोग बनने के लिए कुछ नहीं करना है वचन को पूरा करना है पढ़िए जब ने मिस्र से, जब इज़राइल ने मिस्र से अर्थात याकूब के घराने ने, या जो याकूब का घराना जो मिस्र में रहता था अन्य भाषा वालों के बीच में बीच में कूच किया हाँ, अन्य भाषा के लोगों के बीच में से कूच किया तब यहूदा, यहुआ का पवित्र स्थान और इजराइल उसके राज्य के लोग हो गए कब वो उसके लोग हो गए कब 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 जब उन लोगों ने गुलामी छोड़ने का निर्णय लिया जब मूसा के नेतृत्व में वो मिस्र से बाहर आए लाल समुंदर पार किया उसके बाद परमेश्वर वो कह रहा है जो इसराइली हैं, जो यहूदा के लोग हैं वो मेरे लोग कहलाएंगे मेरे बन गए मेरे हो गए वो एक समय था जब वो परमेश्वर के थे ध्यान से सुनेगा लेकिन परिस्थितियां ऐसी हुई कि उन्हें मिस्र में जाके बसना पड़ा कभी कभी ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो जाती हैं और इज़राइल जो है वो मिस्र की गुलामी में चला गया और लगभग 400 साल तक मिस्र की गुलामी में रहा लेकिन जब मिस्र ने बहुत ज्यादा प्रताड़ित करना शुरू किया थे तो वह परमेश्वर के लेकिन थे वो परमेश्वर से दूर लेकिन एक दिन निर्गमन के दूसरे अध्याय के आखिरी पदों में जब आप पढ़ेंगे वहां आपको मालूम पड़ेगा एक दिन वो इस मुसीबत में पड़े हुए इस गड्ढे में पड़े हुए इस समस्या में पड़े हुए करहाने लगे परमेश्वर को फुकारने लगे निर्गमन का दो अध्याय तेईस पद को जरा पढ़ दीजिए बहुत दिनों के बीतने पर बहुत दिनों के बीतने के बाद मिस्र का राजा मर गया मिस्र का राजा तो मर गया और इजराइली कठिन सेवा के कारण लंबे लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे एक कौन ये इज़राइली लेकिन रह आ रहे हैं मिस्र में और वहां पर क्या हो रहा है कठिन सेवाएं इनसे ली जा रही है इनको बहन का टारगेट दिया गया है और वो टारगेट इनसे पूरा नहीं होता है इनको खाने को नहीं मिलता इनको पहनने को नहीं मिलता ये चिल्लाने लगे ये करहाने लगे बाइबल बताती है कठिन सेवा के कारण जो उनसे ली जाती थी बेगारी ली जाती थी उस कारण वो लंबी लंबी सांसें लेकर क्या करने लगे आहें भरने लगे और जब वो आहें भरने लगे और पुकार उठे किसको पुकारा उन्होंने उन्होंने जीवित परमेश्वर को पुकारा उन्होंने दुहाई देना शुरू किया हाई खुदा अब्राहम याकूब के इजाक और याकूब के परमेश्वर वैर आर यू वेर आर यू और वो पुकारने लगे और जब उन्होंने पुकारा तो क्या हुआ उनकी दुहाई जो, जो गड्ढे में पड़े हुए थे गुलामी में पड़े हुए थे उस गुलामी में से निकलने के लिए उन्होंने जब खुदा को पुकारा तो खुदा उनकी रिहाई के लिए नीचे उतर आया ऐसा अगर आप पढ़ेंगे आगे परमेश्वर ने उनका करहाना सुनकर परमेश्वर ने उनका करहाना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने इब्राहिम और इसक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया स्मरण किया और, और, और परमेश्वर ने इसराइलियों पर दृष्टि करके क्या उन पर करा परमेश्वर ने, ने उन पर वहां चित लगाया इसलिए भजन 114 में परमेश्वर के वचन को मैंने आपके लिए पढ़ा अगर आप और आगे बढ़े थोड़ा सा इसके तीसरे अध्याय में जाएंगे निर्गमन मूसा अपने ससुर के यित्रो नाम मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता आगे और वह उन्हें जंगल की परली और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत पर ले गया आगे और परमेश्वर के दूत ने एक कटिली झाड़ी के बीच आग की लों में उसको दर्शन दिया हाँ और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती एक विचित्र चीज वहां पे दिखाई दी फिर चलो आगे बढ़ो जल्दी से तब तो मूसा ने सोचा तब तो मूसा ने सोचा कि मैं उधर फिर के हाँ। इस बड़े अचंभे को देखूंगा हाँ। कि वे झाड़ी क्यों नहीं जल जाती हां आगे जब यहोवा ने देखा कि हाँ। मूसा देखने को मुड़ा चला आता है हाँ। तब तो परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा और उससे कहा कि हे मूसा हे मूसा हे मूसा मूसा ने कहा क्या हाँ, आज्ञा प्रभु को बोल क्या चाहता है तू बोल आगे उसने कहा हाँ, इधर पास मत आ इधर मेरे पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे मूसा रिमूव योर सैंडल्स अपने जूतों को उस मेरे पास आने से पहले उतार दे और क्योंकि जिस शान पर तू खड़ा है जिस स्थान पर तू खड़ा है वो, पवित्र है वो <coughs> पवित्र आगे फिर उसने कहा मैं तेरे पिता का परमेश्वर और इब्राहिम का परमेश्वर इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर निहान से डरता था अपना मुंह ढांप लिया आगे पढ़िए फिर यहोवा ने कहा मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं ध्यान से सुनिएगा मेरी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है उनके दुख को परमेश्वर आपके दुख को निश्चय रूप से देखता है और उनकी चिल्लाहट और उनकी चिल्लाहट जो परिश्रम कराने वालों के कारण होती है परिश्रम कराने वालों ने जो परिश्रम कराया है उनसे उसके कारण होती है मैंने उसको भी मैंने सुना है और, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित लगाया है परमेश्वर आपकी पीड़ा पर चित लगाता है ध्यान से सुन लेना आज सत्संग में आप जिस गड्ढे में पड़े हो और उस गड्ढे में से जब आप परमेश्वर को पुकारते हो वो आप पर चित लगाता है पढ़िए आगे बढ़ी ब्रदर इसलिए इसलिए अब मैं उतर आया हूं लसन केयरफुली लसन केयरफुली ध्यान से सुनिए जिस परेशानी में आज आप पड़े हुए हो अगर आज सच्चे मन से उस अद्वैत सच्चे परमेश्वर को पुकारोगे आपका करहाना आपका दोहाई उसके पास जाएगी और आठवें पद में लिखा है मूसा इसलिए मैं अब उतर, मैं उतर आया हूं उतर आया हूं कहां पर उतर आया हूं इस पहाड़ पर उतर आया हूं इस पहाड़ पर उतर आया हूं और कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं? क्या करूं? क्या करूं अब वो ज्यादा समय मिस्र की गुलामी में नहीं रहना चाहिए। मैं उन्हें ज्यादा गुलामी में नहीं रख सकता मुझे तेरी जरूरत है, मेरे अजीजों आपकी और मेरी रिहाई के लिए परमेश्वर ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेज दिया और इस धरती पर हमें भी अब आपके आपके पास सुसमाचार लेकर जैसे मूसा मिस्र में गया लाठी को लेकर इसको इस भी को भी जब आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा मेरा कहने का अर्थ यह है हम उसके लोग कब बन जाते हैं जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं जब हम उसे पुकारते हैं कहां से पुकारते हैं हृदय की गहराई से पुकारते हैं अपने छुटकारे के लिए अपनी चंगाई के लिए उस नौकर की चंगाई के लिए यह व्यक्ति पुकार रहा है प्रभु से कह रहा है प्रभु तू वचन कह दे मेरा दास चंगा हो जाएगा आज शाम में आपके पास यहां से परमेश्वर का वचन रिलीज कर रहा हूं और यह वचन आपको चंगाई और छुटकारा देने जा रहा है वचन बंधा हुआ नहीं है मेरे प्रिय लोगों वचन को दुनिया की कोई ताकत नहीं बांध सकती है वचन आजाद है वचन किसी का गुलाम नहीं है परमेश्वर का वचन कहता है तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा यदि तुम वचनों को मानोगे तब हम उसकी प्रजा हैं तब हम उसके लोग हैं हम मिस्र में फंसे हुए हैं और प्रभु से चाहते प्रभु हमारे लिए काम कर प्रभु अपना आपके आपकी प्रार्थना सुनकर किसी परमेश्वर के दास से आपको मिला भी देता है लेकिन आपका प्रॉब्लम क्या है आप मिस्र में रहना चाहते हैं मिस्र को अपने जीवन से निकालना नहीं चाहते मिस्र से बाहर निकलना नहीं चाहते और बस क्या चाहते हैं आप मालूम है मिस्र में ही चंगाई चाहते हैं मिस्र में ही रिहाई चाहते हैं एंड इट इज नॉट पॉसिबल आपको चंगाई चाहिए आपको छुटकारा चाहिए पुकारे उसे जरूर देगा लेकिन मिस्र से बाहर लाकर मेरे अजीजों मुझे एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर एक कहानी एक घटना याद आ रही है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो परमेश्वर के वचन में है और देखते हैं अपन वो हमें कहाँ मिलेगी हाल पढ़िए मरकुश का आठवां अध्याय और उसके बाईस पद से कभी कभी हम अपने सिस्टम में रहते हुए चंगाई और छुटकारा पाना चाहते हैं अपने पाप में रहते हुए छुटकारा पाना चाहते हैं अपने सिस्टम अपनी रीति रिवाज कस्टम में बने रहकर के अपनी गंदी आदतों में बने रह करके चंगाई और छुटकारा पाना चाहते हैं इट इज नॉट पॉसिबल माई डियर वे बेस सदा में आए वे बेस सदा में आए जैसे ही मसीह कबर नहू में आया ऐसे ही यीशु मसीह बैस सदा में गया और, और लोग एक अंधे को उसके लोग, पास ले आए लोग एक अंधे को यीशु मसीह के पास पकड़ कर ले आए और उससे विनती की और यीशु से विनती की कि उसको छुए उसको छुए और वह उस अंधे का हाथ पकड़कर और वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया कहां ले गया आर यू विद मी मिस्र से बाहर आना बहुत जरूरी है बैच सदा से बाहर आना बहुत जरूरी है सदोम और अमोरा से बाहर आना जरूरी है सूर और सैदा से बाहर आना जरूरी है बाबुल से बाहर आना जरूरी है गुलामी में आजादी और छुटकारा नहीं मिलेगा आज का बाबुल आपका कस्टम है आपका सिस्टम है आज का मिस्र आपके रीति रिवाज आपकी परंपराएं हैं लेट्स कम आओ इन परंपराओं से बाहर आकर उस चंगाई और छुटकारे को पाए क्यों यीशु मसीह इस अंधे को वहां छू के चंगा नहीं किया क्यों यीशु मसीह बैत से बाहर लाया क्यों यीशु मसीह परमेश्वर क्यों परमेश्वर लोगों को जब वो मिस्र से बाहर आए भजन 114 में बोल रहा है अब वो मेरे को लोग कहलाएंगे वो मेरी प्रजा कहलाएगी गुलामी में आराधना नहीं होती ध्यान रखना मूसा से फिरौन ने कहा था यहीं आराधना करो उसने बोला यहां आराधना नहीं हो सकती गुलामी में आराधना नहीं हो सकती गुलामी में चंगाई और छुटकारा नहीं मिलेगा बैत सदा से बाहर आओ सदा से बाहर ले गया और जाकर क्या किया और उसकी आंखों में थूक कर हाँ। उस पर हाथ रखे और उस पर हाथ रखा और उससे पूछा और उससे पूछा क्या तू तो कुछ देखता है क्या तुझे कुछ दिखाई देता है और उसने आँख उठाकर कहा उसने हाथ उठाकर कहा मैं मनुष्यों को हाँ। देखता हूँ मैं किसको देखता हूँ क्योंकि वे मुझे चलते हुए दिखाई देते हैं आप किसको देख रहे हैं व्यक्ति यीशु मसीह अगर इसको बैतसदा में ही चंगा करता तो क्या दिखता है इसको अभी भी जब बैतसदा से बाहर आ गया तब भी इसको क्या दिखाई दे रहे लोग ये किसको देख रहा है लोगों, लोगों को. को देख रहा है देखना किसको चाहिए सामने खड़े हुए यीशु मसीह को कुछ चीजें हमें प्रभु को देखने नहीं देती इसलिए यीशु मसीह इसको बैद से बाहर लाया मसीह को भी देखो इसको चंगाई और छुटकारा देने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ी दोबारा करना पड़ा पढ़िए आगे क्या लिखा है तब उसने फिर दोबारा दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे उसकी आंखों को दोबारा छुआ और, और उसने ध्यान उसने से देखा ध्यान से देखा और चंगा हो गया और क्या हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा सब कुछ साफ साफ देखने लगा कहा चंगाई नहीं मिली पैत सदा में क्यों क्यों क्या परमेश्वर मिस्र में इसराइलियों के लिए सियोन स्थापित नहीं कर सकता था लेट मी नो क्या आप मुझे बताएं क्या वो जो सियोन में जो लेके जा रहा है जो कनान में प्रभु लेके जा रहा है क्या मिस्र को कनान में बदल नहीं सकता था मत्ती 11 20 में परमेश्वर का वचन कहता है हाय बैद सदा हाय सूर और सदा जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए सदो मोरा मोरा में किए होते इसका मतलब क्या है बैद सदा के लोग हटीले थे और आज आप हटीले लोगों के बीच में समाये हुए हो और हटीले लोगों के बीच में परमेश्वर काम नहीं करना चाहता हट गया है बीबी मरो बच्चे मरो मेरी दारू चाहिए मुझे यह है हट और अगर आप इस हट में हैं तो आप परमेश्वर से रिहाई और चंगाई की उम्मीद छोड़ दें इनसे यदि आप आजाद होना चाहते हैं प्रभु आपके लिए काम करने को तैयार है लाल समुद्र को भी फाड़कर आपको बाहर निकाल देगा वो यदि आप आजाद होना चाहते हैं तो जब ये मिस्र के अंदर इसराइली लोगों ने निर्णय लिया कि हम सब मिस्र से बाहर जाएंगे और जब बाहर आ गए सामने समस्या आई परमेश्वर ने लाल समुन्दर में रास्ता निकाला परमेश्वर उनके लिए लाल समुंदर के लिए अंदर रास्ता निकालेगा जो मिस्र छोड़ने को तैयार हैं जो बैद सदा छोड़ने को तैयार हैं जो बाबुल छोड़ने को तैयार हैं जो परंपराओं से बाहर आने के लिए गंदी आदतों से बाहर आने के लिए आज शाम तैयार हैं परमेश्वर आपके लिए काम करने के लिए तैयार वचन कहता है परमेश्वर का वचन कहता है यर्मिया सात तेईस को फिर से एक और बार मैं पढ़ना चाहूंगा हम पढ़ेंगे सात तेईस परंतु मैंने तो उनको यह आज्ञा दी मैंने तो उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो कि मेरे वचन को मानो मैं तब मैं तुम्हारा तब मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे मेरी प्रजा ठहरोगे और और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दू जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दू उसी में चलो उसी उसी में चलो सब जने तु? सब जने बोलेंगे उसी में चलना है हाल तब तुम्हारा भला होगा तब तुम्हारी भलाई होगी तब छुटकारा आएगा तब चंगाई आएगी तब भूत पलितों से आजादी मिलेगी तब सब कुछ आपके घर में ठीक होगा तब आपका बच्चा ठीक हो जाएगा तब आपकी बेटी ठीक हो जाएगी तब आपका नौकर भी ठीक हो जाएगा तब आपका सब समीकरण ठीक हो जाएगा हाल प्रभु हम क्या प्रभु से चाहते प्रभु बस घर में सब कुछ ठीक कर दो व्यवस्थित कर दो मैं तो नहीं बदलूंगा मैं तो बैद सदा में ही ठीक हूं एक आदमी बैत सदा के कुंड के पास 38 साल से पड़ा हुआ था कितने साल मर्क उसका का पांचवा अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ प्रभु का वचन कहता है आई थिंक यहुन्ना में हम जाएंगे यहुन्ना का पांचवा अध्याय और वहाँ एक बैत सदा का कुंड है ये बैत सदा का कुंड आपकी परंपराओं का कुंड है जिसके किनारे बैठने से चंगाई नहीं मिलती है बैत सदा के कुंड के किनारे ये व्यक्ति 38 साल से अपनी चंगाई छुटकारे की रिहाई की इंतजार में है। लोहिया आप पढ़ लेना घर जाकर लेकिन इसे चंगा ही छुटकारा नहीं मिला क्यों जब भी ये कोशिश करता था कोई दूसरा हाथ मार जाता था। लेकिन एक दिन के कुंड का पानी का हिलाने वाला उस बीमार व्यक्ति के पास आ गया और उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है क्या चंगा होना चाहता है प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूं परंतु मेरे मदद के लिए कोई नहीं है नो बॉडी इज रेडी टू हेल्प मी मेरे पास जब पैसा था बहुत लोग मेरा साथ देते थे रिश्तेदार साथ देते थे लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं है सब दोस्त अजीज छोड़कर भाग गए हैं ऐसी कंडीशन में आप आ गए हैं तो यीशु आपके पास आकर आपसे कहता है क्या तू चंगा होना चाहता है यीशु मसीह ने उससे कहा अपनी खाट उठा और चला जा मेरे अजीजों इस आदमी के इस आदमी के दिल में चंगाई का एक ही रास्ता था क्या रास्ता था पानी हिलेगा कुंड में उतरूंगा तो चंगा हो जाऊंगा आज आप जब सत्संग में आते हैं आपको आपको केवल एक एक ही चीज लगती है पास राजेंद्र डेविड मेरे पर हाथ रखेंगे तो मैं चंगा हो जाऊंगा क्यों आपने बस यही देखा है ना जो इस 38 साल से ये बीमार व्यक्ति देख रहा है ये उसी बात पे तो विश्वास कर रहा है 38 साल से यह रोज देखता है कि एक व्यक्ति रोज चंगा होकर के चला जाता है इसकी बिचारी इतनी सीनियरिटी हो गई को नंबर नहीं आ रहा इसका। बस इसके दिमाग में चंगाई का एक ही तरीका है कोई मेरे पे हाथ रखेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा कुंड में नहाऊंगा तो चंगा हो जाऊंगा लेकिन जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं उसको वही तो कुंड का हिलाने वाला है और वो बोलता है तो भी काम हो जाता है वचन बोल देता है तो बीमार घर में चंगा हो जाता है घर में वो कनानी स्त्री की लड़की जो थी वो घर में पड़ी हुई थी और छुटकारा पा गई हालिया इस इस सूबेदार का जो आ, बीमार नौकर जो था वो घर में पड़ा हुआ था यीशु ने बोला और चंगा हो गया हाल क्यों वचन को महत्व देने वाले लोगों के लिए सब कुछ होगा तब तुम्हारा भला होगा तब तुम्हारा ऐसे ही लिखा ना भैया जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दू उसी में चलो तब तुम्हारा, तुम्हारा भला, भला होगा हाँ आप अपनी भलाई चाहते हो अपने परिवार की भलाई चाहते हो आज सुबह के समय में आज शाम के समय में क्या आप मेरे साथ हैं ब्रदर मैं चाहता हूं इसकी चौबीस पद को भी पढ़े पर उन्होंने पर उन्होंने हाँ। मेरी सुनी। मेरी सुनी सुनी से बहुत सारे लोग हैं ऐसे आज जो आज भी सुन रहे हैं लेकिन मानेंगे नहीं आप उन्हीं लोगों में से हैं जिनके लिए प्रभु का वचन कह रहा है यर्मिया के समय में भी ऐसे लोग थे आज के जमाने में भी ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी आप बोलेंगे भी हाँ, भाई साहब ये तो सब कहने की बातें हैं परंतु उन्होंने मेरी नहीं सुनी और न मेरी बातों पर कान लगाया और ना मेरी बातों पर ना मेरी बातों पर कान लगाया ना मेरी बातों पर कान, पर कान लगाया।, लगाया और वे अपनी ही युक्तियों और अपने बुरे मन के हट पर चलते रहे अपनी योजनाएं अपना तरीका अपना तौर तरीका अपनाना है बस और अपना मन जो बुरा मन है वो जो हट की आत्मा उसके अंदर है वो उसी के अनुसार चलते रहे और, और पीछे गए? हट गए और पीछे हट गए पर आगे नहीं बढ़े पर आगे नहीं बढ़े पीछे हट गए पर आगे नहीं बढ़े सत्संग में आना बंद कर सकते हैं लेकिन परंपरा को नहीं छोड़ेंगे रीति रिवाज कस्टम नहीं छोड़ेंगे मर जाएंगे हम मर जाएं हमारे बच्चे मर जाएं पर हम परंपराओं में बिल्कुल बंधे हुए हैं क्या आप मेरे साथ हैं क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं आदि में वचन था वचन ही परमेश्वर था 25 26 भी पढ़ दीजिए इसी का यरमिया का जिस दिन तुम्हारे पुरखा हाँ। मिस्र देश से निकले हाँ। उस दिन से आज तक हाँ। मैं तो अपने सारे दासों भविष्यद्वक्ताओं को तुम्हारे पास बड़े यत्न से लगातार भेजता रहा परमेश्वर अपने दास अपने नबियों को हमारे घरों पर हमारे जीवन के पास भेजता रहता है लेकिन परंतु परंतु उन्होंने मेरी नहीं सुनी उन्होंने मेरी नहीं सुनी और ने अपना कान लगाया ना अपना कान लगाया उन्होंने हट किया उन्होंने हट किया और अपने पुरखाओं से बढ़कर बुराइयां की हैं ओ हमारे पुरखाओं से भी बढ़कर क्या करा हमने बुराई की अंतिम बात बोलकर मैं अपने कथन को विराम दूंगा प्रेरितों के काम सोलवें अध्याय में पौलुस और सिलास जेल खाने में बंद है बैते मारी गई है बाइबल बताती है पढ़िएगा ब्रदर तब भीड़ के लोग 22 पद को पढ़ दे सोलह बाईस प्रेरितों काम सोलह भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और, और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और, और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी और, और बहुत बेत लगवा कर उन्हें बंदी करने में डाला जेल खाने में डाला और, और दरग, दरोगा को आज्ञा दी आ, कि उन्हें चौकसी में रखे दरोगा जरा जरा ध्यान से रखना इनको और उसके बाद क्या हुआ उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा भीतर की कोठरी में रखा और उनके पाऊ काठ में ठोक केयरफुली पाऊ काठ में ठोक दिए और हाथ आधी रात के लगभग पोलोस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे क्या कर रहे थे परमेश्वर के भजन समय, गा रहे थे समय कौन सा था आधी रात परिस्थितियां क्या थी विपरीत ऐसी विषम परिस्थिति में वो भजन गा रहे थे हाथ और पांव बंधे हुए हैं काठ में ठुके हुए हैं मजबूर हैं, बांध दिए गए हैं पर एक बात ध्यान रखना आप हाथ को बांध सकते हो आप पांव को बांध सकते हो वचन को नहीं बांध सकते हो जो वचन उनके मुंह से निकल रहा था हो सकता है मुंह में कपड़ा ठोस दे आपके लेकिन मन से निकली बात भी परमेश्वर के पास पहुंचती है हाला और क्या हुआ पढ़ो और बंधवे उनकी सुन रहे थे आ, और कि इतने में एक एक बड़ा भूडोल हुआ क्या आया भूडोल परमेश्वर की सामर्थ यू कांट बाइंड द पावर ऑफ गॉड इस वचन में ताकत है इसमें जिंदगी है यह जीवित है प्रबल है बंद बंद वार गुदे गुदे को वार पे छता देता है ये वचन है हृदयों को तोड़ देता है पत्थर जैसे हृदयों को तोड़ देता है ये वचन है मेरे अजीजों आधी रात को बंधन बंध हुए सुन रहे थे फिर क्या हुआ इतने में एक, एक बड़ा भूडोल हुआ एक भूडोल हुआ यहां तक की यहां तक की बंदी करे की नींव हिल गई खाने की नींवे हिल गई और और तुरंत सब द्वार खुल गए क्या खुल गए द्वार खुल गए बांधो कितना हाथ बांधोगे कितना पांव बांधोगे वचन निकलेगा सामर्थ उतरेगी अद्भुत कार्य आज भी आपके घर में होगा और लिखा है तुरंत द्वार खुल गए और सबके और सब बंधन खुल पड़े आज यदि शैतान ने आपको बांधा हुआ है बंधन खोलने की सामर्थ्य इस वचन में है निर्णय आपका है आज से जो कुछ लिखा है उस पर चलने का प्रयत्न करूंगा प्रभु अद्भुत कार्य अभी आपके घर में करेगा आर्यवे में क्या आप मेरे साथ हैं आइए अपनी आंखों को बंद करें एक निर्णय आपकी जिंदगी को छुटकारा दे सकता है मैं यहां से प्रार्थना करूंगा और आपके घर में वचन जाएगा और वचन काम करेगा वचन को कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है हमारे जीवित और महान परमेश्वर ईशु के नाम से टच इच एंड एवरी वन ओ लॉट एवरी लिस्नर हर एक सुनने वाले का हृदय आज जब रिहाई के लिए तुझे पुकारे हृदय की गहराई से तुझे पुकारे बेहत सदा से बाहर लिया खुदा विषम परिस्थितियों से बाहर लिया खुदा मिस्र से बाहर लिया खुदा खुदा इनके बंधन तोड़ दे पॉलुस और सिलास जेलखाने में बंद हैं, सब बंधुए के बंधन टूट गए जितने आज बंधन में है शैतान तूने बांध रखा है चल छोड़ का वचन इन्हें आजाद करता है प्रभु हम तेरे वचन को भेजकर इनकी चंगाई और छुटकारे की घोषणा करते हैं इस वचन में था परमेश्वर तूने कहा बोलो तो हो जाएगा हम यीशु मसीह के नाम से सुनने वालों की चंगाई छुटकारे की घोषणा करते हैं अशांत मन को शांति प्रदान कर ओ लोग जो गडे में पड़े हुए उनको निकाल कर उभार ले परमेश्वर लोग जो मिस्र के अनुभव में हैं लोग जो बाबुल के अनुभव में हैं लोग जो बैद सदा के अनुभव में हैं लॉर्ड उन्हें बाहर ले आ, खुदा लॉर्ड सेंड योर नेचुरल पावर लॉर्ड धन्यवाद करते तु मेरी प्रार्थना को सुना है जितने लोग बीमारी में पड़े हुए हैं प्रभु जी कोविड नाइन्टीन से परेशान है खुदा प्रभु जी लंग्स का प्रॉब्लम है प्रभु जी ओ प्रभु ब्लड प्रेशर हाई और लो का प्रॉब्लम है परमेश्वर शुगर का प्रॉब्लम है परमेश्वर प्यारे खुदा प्रभु जी आ, प्रभु अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है प्रभु जी और तमाम और प्रकार की जो बीमारियां उनके जीवन में पाई जाती हैं ईशु के नाम में उन्हें चंगाई और छुटकारा मिलने पाए धन्यवाद करता हूँ तूने मेरी प्रार्थना को सुना है सारी महिमा हम तुझे देते हैं जिनके आज जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी उन्हें भी आशीष थे धन्यवाद करते हैं तो हमारी प्रार्थना को सुनाया यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन और अब हमारे खुदाउन यीशु मसीह का फजल खुदाबाप की मोहब्बत पाक पाकरु की रिफाकत और शराखत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे और हम सब बोले आमीन थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू परमेश्वर आप सबको आशीष दे मेरे अजीजों शनिवार के सत्संग में जो लोग यहाँ आया करते थे मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप कलिसिया में आना चाहते हैं सत्संग तो शुरू नहीं हुई है परंतु यदि आप पर्सनली मिलना चाहते हैं पास्टर नरेश के नंबर पर फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेकर आप कलिसिया में आ सकते हैं मिल सकते हैं प्रार्थना करवा सकते हैं सो so, लेकिन सत्संग अभी शुरू नहीं हुई है सत्संग शुरू होते ही हम आपको जरूर यहीं से सूचना देंगे तो इस बात का ध्यान रखें अगर आप व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं आप आ सकते हैं लेकिन अपॉइंटमेंट के साथ सुबह आप फ़ोन करें पासर नरेश आपको बताएंगे कि आप कब आ सकते हैं और आप आकर के मिल सकते हैं थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाएं शेयर करें लाइक करें हल और प्रार्थना निवेदन प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन दिए हुए हैं उनके अंदर आप भेज सकते हैं और यदि आप हमारी इस सेवकाई को प्यार करते हैं और भवन निर्माण का कार्य भी प्रगति पर है उनके कमिटमेंट्स को भी आप देना चाहते हैं बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर है लेकिन यदि आप चाहते हैं ऑफिस में आके जमा कराएं तो ऑफ़िस भी सुबह दस बजे से लेकर शाम को चार बजे तक आपकी सेवा में खुला हुआ है थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू परमेश्वर आपको आशीष दे अगले शनिवार को फिर मिलेंगे डेली ब्रेड कार्यक्रम को देखना ना भूलें कल शाम छः बजे लाइव सर्विस फिर से होगी उसे देखना ना भूलें थैंक यू वेरी मच